ये वीडियो आपने देखा, जी हाँ, अब हम इस वीडियो की बात करेंगे। मानते हैं ये वीडियो बहुत पुराना है, लेकिन आप पवन सिंह की सादगी देखिए। वैसे चलिए हम आपको बता देते हैं इस वीडियो के बारे में। ये वीडियो इस साल का नहीं, ये वीडियो पिछले साल का है, जहाँ पर पवन सिंह ने अपने घर आए पंडितों को भोजन कराया। आप देख सकते हैं कि इस वीडियो में किस तरह से परोस रहे हैं प्यार से खाना। और इतने बड़े सुपरस्टार होने के बावजूद पवन सिंह उन पंडितों के साथ किस तरह से ज़मीन पर बैठे हुए हैं, और लोग ये कहते हैं कि पवन सिंह घमंडी है। वैसे हम आपको पवन सिंह का एक और वीडियो दिखाएंगे आगे, इसमें देखिए क्या कहते हैं पवन सिंह। मैं जिसको फ़ोन करूं वो मेरा फ़ोन ना उठाए तो मैं जीवन में उनको कभी फ़ोन नहीं कर सकता हूं, भले मैं रोड पे क्यों ना चला जाऊं। ये मेरा ईगो नहीं है, ये हमारे चाचा हमारे गुरु हैं, जिनका नाम है श्री अजीत सिंह जी। वही हमको सिखाए हैं, बेटा इंसान को अभिमानी नहीं लेकिन स्वाभिमानी जरूर होना चाहिए। अब आपको समझ में आया कि पवन सिंह को लोग घमंडी क्यों कहते हैं। अब भाई, इतना बड़ा सुपरस्टार अगर आपको फ़ोन कर रहा है और आप फ़ोन नहीं उठाएंगे, तो पवन सिंह का ये कहना है कि वो दोबारा फ़ोन उस व्यक्ति को नहीं करते। और कुछ इसी तरह का एटीट्यूड पवन सिंह को घमंडी बनाता है, ऐसा लोगों का कहना है। लेकिन यहाँ पवन सिंह एक्सप्लेन कर रहे हैं कि वो स्वाभिमानी है। वैसे हम आपको ये बता दें कि पावर स्टार पवन सिंह का एक बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट आने वाला है, जिससे रिलेटेड हर एक चीज़ को काफ़ी सीक्रेट रखा जा रहा है, ताकि पवन सिंह के फैंस चौंक जाए। हम आपको यही कहेंगे, चौंकिए, और पवन सिंह के फैंस हैं तो लोगों को चौंकाइए भी, क्योंकि पवन सिंह जो करते हैं भोजपुरी इंडस्ट्री में सबसे हटके करते हैं। भोजपुरी जगत की हॉट और मसालेदार गॉसिप के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए।